हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप लोग फेसबुक आईडी कैसे बना सकते हैं, ठीक है गाइज, या फिर आप लोग फेसबुक अकाउंट कैसे बना सकते हैं एकदम नया, ठीक है गाइज। तो दोस्तों आपके लिए इसके लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है गाइज। तो आपके लिए फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लिए सिंपली जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, ठीक है गाइज। तो हम प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पर आने के बाद गाइज आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है फेसबुक, ठीक है गाइज। तो मैं यहाँ पे फेसबुक को सर्च कर देता हूँ, ठीक है। फेसबुक को सर्च करने के बाद गाइज आपके लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके लिए फेसबुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे फेसबुक को, ठीक है। फेसबुक को डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों फेसबुक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपकी पुरानी आईडी है फेसबुक पे, तो आप यहाँ पे उसका नंबर और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और दोस्तों आप लोग फेसबुक पर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, नई आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सिंपल नीचे दिखाई दे रहा होगा एक सबसे ऑप्शन क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, ठीक है गाइज। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा ज्वाइन फेसबुक आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। इस पे करने के बाद अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद फिर से अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद गाइज आपके लिए यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे देना है, ठीक है। तो जैसे ही गाइज मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ राहुल, ठीक है गाइज। तो मैंने यहाँ पे राहुल रख दिया, ठीक है। अपना लास्ट का नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंह, ठीक है गाइज। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यानी कि राहुल सिंह, ठीक है गाइज। तो मैंने इतना लिख दिया है, आप लोग भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए सिंपल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भर देना है, ठीक है गाइज। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भर दिया, ठीक है। आप लोग भी अपने डेट ऑफ बर्थ भर देना, ठीक है। तो सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद गाइज आप लोग के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज आपके लिए यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आने लगेगा। यदि आप मेल हैं तो सिंपल सा मेल पे क्लिक करना, ठीक है। यदि फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे मेल के ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। मेल के ऑप्शन पे टिक करने के बाद गाइज आपके लिए सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों जेंडर भरने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग लिए सिंपल सा यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, जिस पे एक ओटीपी आएगी, ठीक है गाइज। तो सिंपल सा मैं इस पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर को डाल देना, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है गाइज। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइज आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज आपके यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, एक 6 अंकों का एक हार्ड पासवर्ड, ठीक है गाइज। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक हार्ड पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपके लिए सिंपल सा 123 भी हो और कुछ सिंबल्स हों हार्ड वाले, जैसे कि गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाले, ठीक है। जैसे कि कुछ हार्ड सिंबल्स होते हैं, आपको सिंपल सा इनका यूज करना है, ठीक है। इसका यूज कर लेना बीच बीच में, ठीक है, जिससे आपका एक हार्ड पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा गाइज मैं यहाँ पे एक अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना एक हार्ड पासवर्ड लिख लिया है, ठीक है। आप लोग भी लिख लेना, ठीक है। दोस्तों आप लोग एक हार्ड पासवर्ड लिखने के बाद आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जिससे आप लोग वो पासवर्ड भूलते हैं तो आपको उसके पास स्क्रीनशॉट रहेगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी यदि आप भूल जाते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों पासवर्ड लिखने के बाद गाइज आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपके लिए सिंपल सा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिनिश साइन अप, ठीक है गाइज। तो आपको सिंपल सा साइन अप पे टिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इस पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज कुछ लोडिंग चल रही है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोडिंग चल रही है, क्रिएटिंग योर अकाउंट, ठीक है, यानी गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कुछ लोडिंग फिर से चलने लगी है, ठीक है, साइनिंग। तो गाइज आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारी साइनिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आई है फेसबुक की तरफ से, ठीक है गाइज, सेव पासवर्ड, ठीक है गाइज। तो आप सिंपल सा इस पर सेव पासवर्ड पर टिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इससे ये होगा दोस्तों, आपको सेव पासवर्ड पर टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सेव पासवर्ड पर टिक करने के बाद यदि आपने जो पासवर्ड डाला था आप भूल भी जाएंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगी आप जब करेंगे, ठीक है।
तो सिंपल सा आपको सेव पासवर्ड टिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ गाइस, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पे हमारा कंफर्म हो चुका है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे ऐड पिक्चर पे टिक करूँगा, ठीक है। इस पे टिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपल सा अलाउ एक्सेस पे टिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इस पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं अलाउ पे टच करूँगा, ठीक है। अलाउ पे टच करने के बाद मैं फिर से अलाउ पे टच करूँगा, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं गैलरी में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल सा अपनी कोई सी प्रोफाइल ले लेता हूँ रैंडमली। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी कोई सी प्रोफाइल ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी प्रोफाइल लगा दी है, ठीक है गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस आपके लिए सिंपल सा डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके लिए सिंपल सा इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके लिए सिंपल सा आप नीचे देख सकते हैं, एक ऑप्शन आ रहा होगा टर्न ऑन और दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा नॉट नाउ, ठीक है गाइस। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके लिए सिंपल सा स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद गाइस आपके लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारी फेसबुक आईडी बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है गाइस। दोस्तों हमारी यहाँ पे फेसबुक आईडी बनके तो तैयार हो चुकी है, बट इसमें अभी कुछ काम करने को बाकी है। यानी कि आपके लिए सिंपल सा नीचे दिखाई दे रहा होगा एक ऐड 50 फ्रेंड्स टू सी मोर पोस्ट्स, ठीक है गाइस। तो आपको सिंपल सा इसके नीचे दिखाई दे रहा होगा एक फाइंड फ्रेंड्स, ठीक है गाइस। आपको सिंपल सा इस पर टिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपल सा गेट स्टार्टेड पे टिक कर देना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लोडिंग चल रही है, ठीक है गाइस, तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लोडिंग चलने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस लोडिंग को पूरी हो जाने के बाद आप सिंपल सा यहाँ से अपने मतलब कि फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि यहाँ पे आपको लिए फ्रेंड आ रहे होंगे ऐड फ्रेंड करने के लिए, ठीक है। किसी को भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे कृष्णा मिश्रा को भेज देता हूँ, ठीक है गाइस। आप यहाँ से ऐसे सबको भेज सकते हैं, ठीक है। यदि आप सर्च मारना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपल आप ऊपर टच करके सर्च बार में सर्च भी मार सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ से सर्च मार लेंगे, ठीक है। तो मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा, ठीक है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ से मेरी फेसबुक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से लाइक भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे मैं लाइक कर दिया, ठीक है गाइस। गणपति बप्पा मौर्या, अब जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, आपका फेसबुक अकाउंट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, चैनल पर नो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते अगले ऐसी नाइस खास वीडियो, जब तक ले जय हिंद गुड बाय। दोस्तों कमेंट करके बताना आपके लिए वीडियो कैसी लगी।